जानते हैं कि जो हमारे टीम को टॉपिक मिला है निर्णय लेने के कौशल के विकास में एक अभिभावक शिक्षक और समुदाय की क्या भूमिका होगी, इसको हम सभी जैसे हमारे हम एक मीटिंग बुलाए हैं और कुछ स्कूल में कंपोजिंग स्कूल सुबलपुर में और हमारे हेड सर बैठे हैं और वहाँ के ग्राम सभा की प्रधान मैडम है और हमारे शिक्षक गण और बच्चे सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम एक नाटक द्वारा यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारी भूमिका होगी इस विकास में। देखिए लड़की किरणी कह रही कि स्कूलों में कौनो मीटिंग रखे हैं तो हम बहुत जिद किए कि चला मम्मी तो हम कहा अच्छा चल बताओ कौनो मीटिंग उटिंग रखे है का। हाँ भाई आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग बा मतलब अभिभावक और शिक्षक की मीटिंग हम लोग रखे हैं, महीने में एक बार बुलाते हैं। इसमें हम आपके बच्चे के बारे में आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्षमता है, कैसे आप उसको जो है पढ़ने हो और कहो जीवा तुम्हार दिन तेज बा पढ़े में और तू उससे खाना बनवा रहे रोक ले तू लोग। सर जी हम तो रोज आना चाहते हैं, डेली आना चाहते हैं, पर मेरी माता जी है घर के काम कराती बर्तन बनाती है कहती बच्चा पालो स्कूल मत जाओ। चुप कुल माए के बोल खोलत है चुप तेरा बोला जी। देखिए आपकी बच्ची कितनी तेज है, हमारे स्कूल के और बच्चे ग्रामीण भाषा में बात करते हैं, आपकी बच्ची खड़ी बोली में बोल रही है, इससे आप इसकी प्रतिभा का आकलन करिए कि ये बच्ची कितनी तेज है। यदि आपने इस पे ध्यान दिया तो आगे चल के ये बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। देखिए आपको अपने बच्चे की प्रतिभा का नहीं ख्याल है, 1200 रुपया के लिए आप जान दिए रहेंगी, ये नहीं पूछ रही है कि हाँ गुरु जी हमारी बच्ची तेज बात और हम का करें कि तेज हो जाए, 1200 रुपये के पीछे जान दे रहे हो हमें। सही कहा था मगर का करी परिवार के जरूरत बा गुरु जी वो जरूरी बा। नहीं वो तो जरूरी बा लेकिन अगर बिटिया कायदे के निकल जाए ना तो कुल जरूरत पूरी हो जाए तुम्हारा। अब दूसरा कर अरे गुरु जी ये हमारे सोनूरत का हाल चाल है, पढ़ा थोड़ा तो भाग ना है। देखा सोनू पढ़े में तो रुचि लेवे कर दिन खेल में इनकर बहुत रुचि का, जान लग कबड्डी के कौनो टीम कौनो स्कूल की टीम आवे अकेले भी थाम ले तो पूरा मोर्चा जुम्मन तो एके खेले बड़े दिन मना किया कर। अरे खेला तो बहुत ज्यादा है, जब आज यहाँ से जाए स्कूल से घरे बस लेके बस भाग गया खेले वेले बड़े, अब पढ़ा थोड़ा कम है बिल्कुल, हम तो सोचे थे पढ़ाए लिखाए के कौन कुछ बनाए थी आगे खेले से काम मिले काम मिले के खेले से। देखिए अभी आपको ये जानकारी नहीं है कि आजकल स्पोर्ट्स कोटा हो गया है और स्पोर्ट्स कोटे के तहत भी बच्चे को सामान्य बच्चों से पहले नौकरी मिल जाती है, इस चीज को आप समझिए और इसको जो है पढ़ने के साथ खेलने दिया करिए, घर के कामों में बहुत ज्यादा मत उलझाइए बच्चे को अपने। नमस्ते नमस्ते आइए आइए बैठिए। मालती इधर जो जब देखे तब सर जी पढ़ाई में बहुत मन लगा रहा लेकिन इधर जो हमारे पूरा परिवार चाहत रहा है कि ये हमारी बिटिया जो अफसर बनी है लेकिन इधर जब देखे तब मोबाइल के लेके अपना डांस हमेशा नाच बच कर रहते हैं देखिए आप भी एक अभिभावक हैं, आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों ने बच्चों की प्रतिभा का आकलन किया
और ये मालती जो है हमारे यहाँ ऐसी बच्ची है, पढ़ने में तो इसका मन लगता ही था। एक दिन ऐसा कार्यक्रम हुआ जो हम लोग बाल सभा कर रहे थे, एक गाना बजा दिए, सब बच्चों से बढ़िया इसने डांस किया। और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अलग से कि एक राम भजन पे इतने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है कि यदि इसको मौका मिलेगा तो ये लड़की जो है आपकी बहुत आगे जाएगी। और इसके लिए दो विकल्प हो जाएंगे, पढ़ाई के माध्यम से तो आगे जा ही रही है और डांस के माध्यम से भी आगे जाएगी। अरे गुरुजी हमरो सुना, जब सब कुकुर बनारस चले जाएंगे तो दोनों क्या चाहते? आप बताइए, आप ग्राम प्रधान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपके गांव के बच्चे तमाम विधा में आगे जा रहे हैं, कोई डांस में आगे जा रहा है, कोई खेल में आगे जा रहा है, कोई पढ़ाई में आगे जा रहा है, और आप कह रही हैं कि जो जब सब कुकुर बनारस से चला जाएंगे तो नुआ के चाटे। अरे भला बताइए, ऐसे बोलना चाहिए प्रधान जी? अरे आप तो पढ़े लिखे प्रधान हैं, आपको ये लगता होगा कि जब हमारे यहाँ के सब लोग पढ़ लिख लेंगे तो हमारा जो आपका 50 बीघे का खेत है कमवा कौन करेगा आपका जो है? अरे प्रधान जी, काम करने वाले पैसा देने पे दूसरे गांव से आ जाएंगे, अपने गांव का विकास करिए आप। नहीं, मैं सहमत हूँ, आप सही कह रहे हैं। अच्छा साहब, मोहित सुन रहे हैं, हम यहाँ आए तो हम बड़ा गुस्सा में रहे, हम काज मस्त रहे, रोज मोबाइल देखे थे, जब देखा जब नाचत गवा दी है, बढ़ावत कर रही है, हमारे तो यह समझ में आवत रहा है पढ़ावे के नाम सब सारा काम कर रहे थे, मगर यह आज की मीटिंग में आने के बाद हमको ये एहसास हुआ कि नहीं आप सही हैं, आप बच्चे की हर एक प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं जो उसके अंदर है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी प्रतिभाएं बच्चों में होती हैं, इस चीज़ का एहसास मुझे आज हुआ आपकी मीटिंग में आने के बाद, और आप बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपके आपके ध्यान हुए आपके गवर्नर के जो उनका वो लड़कवा स्पोर्ट्स कोटा के तहत रेलवे में भरा, आप तुमसे बताया रहे? हाँ मास्टर, उनका रामचरण लड़किया स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स कोटा के तहत में जो है उसमें रेलवे में भर्ती हो गया है, और वो बगल गांव वाले जो है उनके रामजीत भाई के जो है लड़की है, आज वो बहुत अच्छी सिंगर है, उसका बहुत टीवी पे भी नाम आ रहा है, वो कई जगह वो चर्चित भी है, हमको एहसास हुआ और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम मीटिंग में नहीं जाते तो शायद हमारे अंदर एक गलत बनी रहती। देखिए अभी आपने देखा